वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एंड मैं शूटिंग अभी मेरे मोबाइल स्टैंड से कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग वेरी चिल। मैं बहुत टाइम बाद मिला है मुझे मोबाइल स्टैंड, वरना मुझे मोबाइल पकड़ पकड़ के हाथ दुख जाते थे। सो वी सिंपली ऐसे आराम से मैं स्टैंड पकड़ी हूँ एंड मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, आई मीन शूट कर रही हूँ। एंड फिर से मैं लेके आ गई हूँ क्यूएल, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं यार। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, वो दिमाग खराब कर रहे हैं कि मुझे क्यू एन ए चाहिए यार। मैं जितने भी अभी तक क्यू एन एस बनाया है ना, उनके वजह से ही है, बट आई एम क्रॉसिंग लिमिट्स। बस हो गया। मैं अभी बोल दे रही हूँ तुम दोनों को भी, मेरे फ्रेंड्स को बोल रही हूँ। सो मैं अभी बंद कर रही हूँ बनाना एंड दिस इज लास्ट वन। अब पार्ट फोर तो मैं जिंदगी में नहीं डालूंगी, सो आई प्रोमिस दैट। एंड आई टुक अनदर चैलेंज। एक चैलेंज तो लिया था कि एक हफ्ते में कम से कम वीडियोस अपलोड करूंगी, सो मैं एक हफ्ते में नहीं, तीन चार दिन में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी आई कैन अपलोड। सो एंड मैंने अनदर चैलेंज ये लिया है कि मैं एक साल में 60 वीडियोस अपलोड करूंगी, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि स्कूल स्वे के साथ हैंडल करना इज नॉट ईजी। आपको लग रहा होगा 60 वीडियोस कितने ईजी है, बना के देखो तब समझ में आएंगे 60 वीडियोस होते क्या। 60 वीडियोस की वो लिमिट बोल रही हूँ यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो होता क्या है। सो या अभी 60 वीडियोस का चांस तो लिया है, एक हफ्ते में एक वीडियो, एक हफ्ते में तीन वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो हो जाएगा 60-70। आई हैव टू कलेक्ट चैलेंज 60-70। एंड मैं जो शॉर्ट्स वाला चैनल ओपन किया है उसमें मैंने ऑलरेडी दो तीन चार वीडियोस मिनी व्लॉग्स अपलोड कर दिया, आई डोंट नो कितने किए हैं। सो वो मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, सो एक साल तक वो हो जाना चाहिए 365, क्योंकि एक साल में होता है 365 डेज, तो मेरा नेक्स्ट ईयर तक हो जाना चाहिए 365 मिनी वीडियोस। सो एंड ये फ़ोन ने मेरा बहुत साथ दिया है। आज मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ढूंढना है कि एक चैनल पे एक फोन पे दो चैनल्स कैसे बनाए। सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, कैन इमेजिन, इट्स इवनिंग 5 o'clock और इतनी धूप हो रही है। सो या लेट्स स्टार्ट द क्यू एन ए। एंड ये वीडियो मैं गणेश चतुर्थी के दिन शूट कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी गणेश चतुर्थी का व्लॉग पोस्ट कर दिया है। सो एक ही दिन में आज मैंने तीन व्लॉग्स पोस्ट कर दिया है। सो दिस आई एम गोइंग टू डू ऑन सैटरडे, फ्राइडे, लेट्स डू ऑन फ्राइडे। सो या अभी क्यू एन ए स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं वॉकिंग करते करते क्यू एन ए करूंगी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्यू एन ए, विच इज मेरी फ्रेंड ने पूछा है कि तुझे अपना ओल्ड स्कूल पसंद है या फिर तुझे अपना न्यू स्कूल, जो तू हमको छोड़ के न्यू स्कूल में चली गई है, वो पसंद है। सो आई थिंक ओल्ड इज गोल्ड, न्यू स्कूल बहुत अच्छा लगता है मुझे यार, बट ओल्ड इज गोल्ड है, ये होता है ओल्ड इज गोल्ड। सो प्रेफरेंसली एक स्कूल के टाइमिंग्स में अगर जाओ तो, अगर स्कूल के टाइमिंग्स में जाओ तो स्कूल के बारे में ही है कि मैंने, अगर स्कूल के टाइमिंग्स में आप जाते हो तो स्कूल के टाइमिंग्स में माई ओल्ड स्कूल विंस, बिकॉज वो 8:30 to 3:30 है, तो मैं 3:40 तक आ जाती थी एंड 8:27 को निकलती थी। एंड इधर टाइमिंग्स लाइक 6:50 to 3:50। सो या नेक्स्ट सी स्पोर्ट्स में मेरा न्यू स्कूल जीता है, क्योंकि मेरे न्यू स्कूल में इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स लाइक टाइकोंडो, पीटी, स्केटिंग, स्विमिंग, डांस, योगा, म्यूजिक, इतने सारे हैं। एंड वो स्कूल में लाइक थोड़े से कम है थोड़े बहुत, इट्स लाइक स्केटिंग, यू हैव टू चूज स्केटिंग और कराटे एंड और पीटी, सो इट्स लेस इसलिए। एंड एजुकेशन तो दोनों स्कूल्स की अच्छी है, क्योंकि दोनों स्कूल की बराबर है एंड टू स्कूल्स आर लाइक स्पॉन्सर मीन्स दो स्कूल मिले हुए हैं, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कुछ जंग के लिए मिले हुए, लाइक दो स्कूल की पहचान है, दो स्कूल आर वेरी क्लोज। सो या एंड नेक्स्ट इज एग्जाम्स कौन से ईजी होता है, एग्जाम्स आर ईजी इन आई डोंट नो इन दैट स्कूल, बिकॉज उधर बुक से पूरा बुक का छाप के देते हैं एंड इधर लाइक होता है कि बुक से आउट ऑफ सिलेबस देते हैं एंड इट इज गुड दैट बुक से छाप के नहीं देते थे, लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस भी देते हैं, दैट वाज इजी फॉर मी, दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी।
सो पल्लवी एंड मेरे ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल नेम, न्यू स्कूल को तो बोल दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड न्यू ओल्ड स्कूल नेम इज पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल अत्तापुर. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट डू आई लव माई ओल्ड स्कूल एंड माई न्यू स्कूल. लाइक ओल्ड स्कूल तो 90% बिकॉज उधर स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं होता एंड आई लव स्पोर्ट्स. सो 90% टू माई ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल गोज टू 97% बिकॉज 95% का डिफरेंस है. स्पोर्ट्स है बट आई डोंट लाइक द टाइमिंग. बस भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन टाइमिंग्स का ही थोड़ा है तो उसके लिए मैं 5% वो कम करूंगी. ऐसे बहुत इक्वल. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्या भेजती रहती है यार, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा. अभी पूछ के बोलती हूँ. या मेरे ओल्ड स्कूल में ज्यादा फ्रेंड्स है या न्यू स्कूल में? सो आई गेस मेरे न्यू स्कूल में ज्यादा. पूरी गर्ल्स की गैंग है हमारी, पूरे गर्ल्स ही फ्रेंड है हमारे. एंड ओल्ड स्कूल में मेरे थोड़े 3-4 थे एंड दिस स्कूल इज होल गर्ल्स आर माई फ्रेंड्स. सो दिस स्कूल गोज टू पॉइंट माई न्यू स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल. होमवर्क कौन से स्कूल में ज्यादा मिलता था? दिस स्कूल में होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिलता है. सो दिस पॉइंट्स गो टू पल्लवी इंटरनेशनल स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्स किसके जल्दी होते? एग्जाम्स लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल के बहुत जल्दी होते हैं. मतलब एक एग्जाम खत्म हो गया, लाइक PA1 खत्म हो गया, PA2 का सिलेबस, PA2 खत्म हो गया, 3-4 दिन का गैप दिया नहीं, हाफ ईयरली. एग्जाम के लिए टाइम कौन देता है? एग्जाम के लिए टाइम तो ये स्कूल ही देता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्योंकि अभी मेरे 15th एग्जाम स्टार्ट है. सो लाइक अगर मैं 15th को एक बार, हाफ डेज है हाफ ईयरली में, वो तो हर स्कूल में होते हैं, 15th को एक बार गई तो 16th को आई हैव अ प्रिपरेशन लीव, एंड 17th को गई तो 18th को आई हैव अ प्रिपरेशन लीव, 19th को गई तो 28th को प्रिपरेशन लीव, 21st को गई तो 22nd को प्रिपरेशन लीव. सो लाइक दिस, सो दिस पॉइंट्स गो टू माई स्कूल, न्यू स्कूल. सो या गाइस अभी मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब मुझे क्यूरे बनाने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है. अभी बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं भी बना बना के, एंड मैं बोल रही हूँ तुम दोनों को बंद करो, मैं नहीं बनाने वाली. सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब. सो बाय बाय.